बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज होम। सो आज हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 16 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी पावर डिसिपेशन जो है ना ये कम से कम हो, पावर डिसिपेशन जो है ये क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, यानी मेन स्टेशन होता है जहां टर्बाइन लगाया होता है, यहाँ पर वहां पर लेट्स सपोज 50,000 वोल्ट अगर वोल्टेज पूरी होते हैं, अगर ये सिटी स्टेशन में आते हैं, मेन स्टेशन ग्रिड स्टेशन, ग्रिड के बाद सिटी स्टेशन वगैरह ये इस तरह आते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से ये पावर ज्यादा होते हैं। तो हम जगह पे जगह मेन स्टेशन ग्रिड स्टेशन में, मेन स्टेशन में, सिटी स्टेशन में हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि ये पावर डिसिपेशन है ये कम से कम हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम कुछ यू लिखते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन इंक्रीज, व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो एसी करंट होता है। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर डिफिनेशन क्या है इसका, इट इज ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी वोल्टेज है जिसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पावर डिसिपेशन जो है ना, जो पावर जाया होते हैं हमसे मेन स्टेशन से लेकर सिटी स्टेशन तक जो पावर जाया होते हैं ये कम से कम जाया हो जाए। ठीक है, यानी लेट्स सपोज अगर कोई पावर स्टेशन भी 13,000 वोल्ट पैदा होते हैं तो स्टिप ऑफ ट्रांसफार्मर की वजह से ये हम 50,000 तक ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम डोमेस्टिक यूज में 220 वोल्ट यूज करते लेके आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम पावर डिसिपेशन हमारा रहना और ये कम से कम हो जाए, जो पावर जया होते हैं ये कम से कम जया हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल, ये ट्रांसफार्मर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना, म्यूचुअल इंडक्शन कि जो प्रिंसिपल है उसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, सो म्यूचुअल, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ये है, देखें इसमें टू कॉइल्स होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, यानी जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी एक ही कॉइल में हम करंट प्रोवाइड करते हैं और फिर करंट की वेरिएशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन में टू कॉइल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी कॉइल एंड सेकंड होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यानी दो कॉइल है। ठीक है, और ये दो कॉइल जो है ना ये करीब होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज करंट जीरो है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वोल्टेज भी जीरो है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। ठीक है, अब हम देखें, अब हम कोई सोर्स यहां लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं सोर्स, यानी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, तो यहां से करंट पास होना शुरू हो जाता है पहले वाली कॉइल से। ठीक है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जो है ना वो भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, यानी जो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये जनरेट होता है और साउथ साइड ये एंटर होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म की वजह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना ये सेकेंडरी लाइन से, सेकेंडरी कॉइल, सॉरी सेकेंडरी कॉइल से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिज्म की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी हमने पहले कॉइल में हमने करंट प्रोवाइड किया। ठीक है, और इसी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया पहले कॉइल में। ठीक है, मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होना शुरू हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना ये सेकेंडरी कॉइल से पास होके, यानी सेकेंडरी कॉइल में क्या किस तरह काम करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिज्म की वजह से
हम यहां इंड्यूस ईएमएफ यानी जो हमारा वोल्टेज है, इंड्यूस ईएमएफ यानी जो हमारा वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले जीरो था, बाद में हमने बैटरी कनेक्ट किया तो करंट जनरेट होना शुरू हो गया। जब करंट जनरेट हो, करंट पास हो गया पहले कॉइल से, तो इससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गया, और सेकेंडरी कॉइल से पास होके वहां इंड्यूस ईएमएफ यानी वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए करंट वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ यानी जो हमारा वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हो गया। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, और ये सारा वर्क जो है ना ये ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी इसी तरह टू कॉइल्स होते हैं, एक में हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सेकेंडरी कॉइल से पास होके इंड्यूस ईएमएफ यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का क्या मतलब है? ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो ये वोल्टेज है, वोल्टेज सिंपली वोल्टेज है। ठीक है, तो करंट की वेरिएशन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो गया। तो ये था हम, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, एक होता है ये होता है आयरन कोर। ठीक है, आयरन कोर यानी आयरन कोर क्या, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन इससे करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, इंसुलेटर आयरन कोर इस तरह आयरन कोर है कि ये इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होता। इसमें होता है, ये होता है कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड ये होता है सेकेंडरी कॉइल, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कनेक्ट नहीं है लेकिन करीब रखेंगे, ये दोनों करीब होना चाहिए। ठीक है, टू कॉइल्स है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है और दोनों एक दूसरे के करीब है ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल एंड ये होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब ये वर्किंग किस तरह करता है, किस तरह ये काम करता है, बिल्कुल इसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन की तरह। यानी हम करंट प्रोवाइड करते हैं, ये सोर्स है। ठीक है, हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं करंट, तो यहाँ मैग्नेटिक करंट जो है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना पास हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ये सेकेंडरी लाइन सेकेंडरी कॉइल से पास हो जाएगा। जब ये सेकेंडरी कॉइल से पास हो जाएगा तो यहां क्या होता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम जब कोई सोर्स कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों में जीरो जीरो है। जब हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं यानी करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म, पहले वाले कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होना शुरू होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब जनरेट होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ये सेकेंडरी कॉइल से पास होते हैं, ये होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल से पास होके यहाँ मैग्नेटिज्म की वजह से फिर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड से देखे, पहले कॉइल में हमने करंट प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसी तरह काम होता है। ठीक, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट की वेरिएशन से फिर मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये सेकेंडरी कॉइल से पास होके मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने करंट की वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ यानी जो वोल्टेज है हमारा वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। अब देखिए सेकेंडरी कॉइल में, अब देखिए सेकेंडरी कॉइल में इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, यानी जो वोल्टेज यहाँ है हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, यहाँ हम वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स एन एस,
नंबर ऑफ टर्न्स एन सॉरी प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब वी एस जो है ना वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वोल्टेज वी एस जो है वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल डिफरेंट, यानी यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। और वी पी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, एंड नम टर्न्स रेशियो पे, ठीक है, टर्न्स रेशियो पे एन एस सॉरी एन एस डिवाइड बाय एन पी, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में होता है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। एंड फर्स्ट वन इज वोल्टेज इन प्राइम, अगर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। एंड सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसके रेशियो पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो वी एस वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब आ गए हैं टाइप्स की तरफ। सो टू टाइप्स है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, सो व्हाट इज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, एफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना ये है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स ये है, ये एक नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स ये, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, एंड ये प्राइमरी कॉइल है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना प्राइमरी कॉइल में कम है, ठीक है, डिक्रीज है यहां। तो इस ट्रांसफार्मर को द ट्रांसफार्मर इन दिस केस इज कॉल्ड स्ट्रिप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ ट्रांसफार्मर इसको हम किस लिए कहते हैं, इसलिए है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना ये सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये प्राइमरी कॉइल में कम है। तो इसी वजह से वी एस वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज एंड प्राइमरी कॉइल, तो इसी तरह ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखे अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम है, यानी ये प्राइमरी कॉइल है ये सेकेंडरी है, अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स में ज्यादा है ये प्राइमरी कॉइल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न एंड सेकेंडरी कॉइल, तो इस ट्रांसफार्मर इन दिस केस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इस केस में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस केस में हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। इन दो टाइप्स के बारे में मैं लोग बताता हूं कि ये हम नेम से पता लगाते हैं, स्टेप अप यानी ये करंट यानी वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टेप डाउन और यानी ये वोल्टेज कम करने के लिए यूज होता है, किस तरह देखिए ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर सिंपल, ट्रांसफार्मर पावर जो है ना ये पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। सो व्हाट इज पावर, पी इज इक्वल टू आई वी, ये पावर का डिफिनेशन है, ठीक है, यानी करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट को इससे पावर बनता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, एक जगह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। सो अगर हम लेट्स सपोज अगर हम 50 वोल्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर प्राइमरी कॉइल में 50 वोल्ट है तो सेकेंडरी में 50 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हम आइडियली ले सकते हैं, आइडियली ले सकते हैं। एंड नाउ वी नो दैट पावर इज इक्वल टू आई वी, अगर ये 50 है, अगर करंट को हम 2 रख सकते हैं 2 एम्पायर, तो वोल्टेज 25 आ जाएगा, ठीक है। देखिए करंट जो है ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, और वोल्टेज इंक्रीज हो गया। एंड नाउ अगर हम इसी केस में देखते हैं, इसी केस में तो 50 को हम इस तरह, यानी अगर हम करंट को डिक्रीज कर इंक्रीज करते हैं तो करंट 25 आ जाएगा और ये वोल्टेज जो है ना ये 2 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर 50 आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है,
यानी ये कार को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये फॉर को सेल, यानी फॉर जो है ना ये पहले प्राइमरी काइल में और सेकेंडरी काइल में सेल रहेगा, ठीक है, स्टेप अप में भी और स्टेप डाउन में भी, ठीक है। अगर 50 वोल्ट पावर यहाँ है तो 50 यहां भी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये इसी तरह आ जाए, हम आइडियली इस तरह ले सकते हैं। अगर अगर हम करंट डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर जो है ना ये पावर सेम हम रखेंगे, पावर जो है सेम रखेंगे, ठीक है। अब हम ये ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं, देखें हाई वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। हाई वोल्टेज किस तरह सप्लाई कर सकते हैं, जो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन भी जहां पर टर्बाइन लगाया होता है, जहां पर डैम बनाया होता है, ठीक है। ये है हमारा पावर स्टेशन, पहला स्टेशन पावर स्टेशन है। अगर यहाँ लेट सपोज 13 किलोवाट पावर है, या लेट सपोज हम पर्स करें 11 किलोवाट, जो हम इंक्रीज करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से। पावर स्टेशन में स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी लेट सपोज यहाँ पर हम लेट सपोज ले सकते हैं 3 किलोवाट, अगर हम कोई पावर स्टेशन पे 3 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की वजह से ही हम 11 किलोवाट तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये मैं परस कर रहा हूँ, सपोजिशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पावर स्टेशन पे 11 किलोवाट है। इसके बाद आता है सिटी मेन स्टेशन। तो मेन स्टेशन पे यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, यानी ये 11.7 किलोवाट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रेड स्टेशन, यहां पर स्टेप डाउन यूज होता है, यानी यहां लेट सपोज 5 किलोवाट आ जाएगा। इसके बाद सीडी स्टेशन, पावर स्टेशन, मेन स्टेशन, ग्रेड स्टेशन, सिटी स्टेशन, ठीक है। और सिटी स्टेशन तक ये लेट सपोज 2 किलो आया, तो फिर स्टेप लास्ट में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ना ये हम डोमेस्टिक यूज में ला सकते हैं, यानी 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट तक, ठीक है। तो हम ये वोल्ट, ये पावर जो है ये हम यूज करते हैं घरेलू जिंदगी में, जो हमारे घर में यूज होते हैं, ठीक है। पावर स्टेशन पे स्टेप अप, देन मेन स्टेशन पे स्टेप डाउन, फिर ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन, सिटी स्टेशन पे स्टेप डाउन। ओके गाइस, तो ये हमारा टॉपिक अबाउट ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।